13 सितंबर को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होने वाली हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली हैं। वहीं एचआरटीसी प्रबंधन भी अपनी अहम भूमिका निभाते हुए जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बसें भी उपलब्ध करवाएगा। विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होने वाली हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं की प्रारंभिक परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के आवागमन में कोई परेशानी न हो, इसके लिए एचआरटीसी प्रबंधन ने भी कड़े उचित व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। वहीं मंडी बस अड्डा प्रभारी कृष्ण चंद ने जानकारी दी है कि जरूरत पड़ने पर एचआरटीसी द्वारा अतिरिक्त बस सेवा भी चलाई जाएगी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं की प्रारंभिक परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी और ऐसे में परीक्षार्थियों को आने जाने में कोई परेशानी न हो, इसको मद्देनजर रखते हुए एचआरटीसी प्रबंधन ने बस सेवा की उचित व्यवस्था की है। कौन से रूट सक्रिय रहेंगे? मैं कृष्ण चंद सह अड्डा प्रभारी मंडी बस अड्डा मंडी से आप सभी भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि कल एचएएस का एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए परिवहन निगम की जो गाड़ियाँ इतवार को उसी जगह खड़ी होती थी उसको माननीय क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय जी के आदेशानुसार एग्जाम को देखते हुए जो गाड़ी हमारी 10 बजे तक हेडक्वार्टर टच करती थी उनको आदेश दे दिए गए हैं कि वो सुबह हेडक्वार्टर जो है टच करें। अगर फिर भी कहीं गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी गाड़ियां जो है मुहैया कराएंगे। कोई भी किसी प्रकार की एग्जाम को मद्देनजर देखते हुए किसी प्रकार की कोई भी परेशानी जो है नहीं आने देंगे सर। मंडी की